नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में मचे सियासी घमासान की, गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग के शिकंजे की, जानेंगे इस साल सीबीएसई 12वीं का कैसा रहा रिजल्ट, और इसके साथ ही जानेंगे शरद पवार का बड़ा खुलासा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा गूगल। आज पीएम मोदी और सुंदर पिचाई में हुई थी बातचीत, पिचाई ने पीएम मोदी से की थी वर्चुअल मीटिंग। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा हो सकती हैं प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया बयान, कहा यूपी में रहेगा प्रियंका का नेतृत्व। पंजाब में लोगों की भीड़ जमा होने पर राज्य सरकार सख्त, सीएम अमरिंदर सिंह ने लिया बड़ा फैसला, नियम न मानने वालों पर होगा एक्शन। अमरनाथ यात्रा को मिल सकती है हरी झंडी, यात्रा रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, कहा सरकार के हाथ में फैसला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 99 अंकों पर 36,694 पर और निफ्टी 47 पॉइंट बढ़कर 10,815 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान कांग्रेस में सियासी उथल पुथल जारी है। सूबे के मुख्यमंत्री जहां सरकार बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तेवर कुछ दिनों से तल्ख दिख रहे हैं, जिसके चलते आज सभी की नजरें टिकी थी विधायक दल की बैठक पर जो गहलोत के आवास पर हुई। इस बैठक के बाद गहलोत राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पायलट के सामने विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। तो आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए राजस्थान की सियासत में कैसी रही हलचल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दूरियां तो सरकार बनने के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन करीब 1.5 साल बाद ये खुलकर सामने आ गई। जब सचिन पायलट के तेवर बेहद तल्ख हो गए, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसी तस्वीर बनने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक ही दिन में बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी। जी, आज सीएम आवास पर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा जो 101 है उससे भी विधायक गहलोत के साथ। दूसरी ओर दावा सचिन पायलट का भी था, जो आज भी कह रहे थे कि उनके पास 25 विधायक हैं, लेकिन उन्होंने विधायकों के नाम नहीं बताए। फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बचती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी किसी तरह की ढील देती नहीं दिख रही है, इसलिए उसने अपने सभी विधायकों को रिजॉर्ट पे भेज दिया है। गहलोत भी विधायकों के साथ रिजॉर्ट पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट को मनाने की कोशिश भी आज दिन भर चलती रही। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने सचिन पायलट से बात की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल सचिन पायलट से बात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट से जयपुर जाने के लिए कहा गया है। वहीं सचिन पायलट भी अब समझ गए हैं कि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए अब उनके तेवर भी ढीले पड़ते दिखने लगे हैं। पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में है। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग देने की मांग की है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। फिलहाल गहलोत ने जिस तरह से अपने विधायकों को संभाला है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी पायलट के शर्तों को मानने के लिए तैयार होगी। बीच बीजेपी भी सक्रिय होती दिख रही है। बीजेपी की ओर से मांग की गई है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और उसे विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहिए। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, आज के घटनाक्रम के बाद ये साफ दिख रहा है कि गहलोत पायलट पर भारी पड़े हैं, उनकी सरकार बचती हुई दिख रही है। गहलोत के चेहरे की खुशी बहुत कुछ भी बता रही है, लेकिन सचिन पायलट जो गहलोत को सत्ता से हटाना चाहते थे, उनके सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है, वो कुछ शर्तें कांग्रेस के सामने रख रहे हैं। राजीव जी, क्या लगता है कि पायलट की शर्तें गहलोत मानेंगे? पायलट के पास विकल्प भी क्या है? देखिए मीनाक्षी, राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावती तेवर जिन उम्मीदों के साथ दिखाए थे, उनके पूरे होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने अपने पंखों को तौले बिना ही ऊंची उड़ान भरने की जो जल्दबाजी की थी, उसमें वो औंधे मुंह गिरे हैं। उनकी बगावत से गहलोत सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ा है मीनाक्षी, उल्टे सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है मीनाक्षी कि बहुत कम समय में सचिन पायलट की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होने लगी थी और उन्हें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी भरपूर लाभ मिला। दिग्गज कांग्रेस नेता राजेश पायलट की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटे सचिन पायलट ने उठाई, तो कांग्रेस ने भी उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए। 2002 में कांग्रेस सदस्य बनने के बाद, यानी कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, 2004 में लोकसभा चुनाव में सचिन उम्मीदवार बने और 26 साल में वो सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। 2012 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार में वो मंत्री भी रहे। 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन्हें
उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाया गया और प्रदेश कांग्रेस की कमान तो उनके हाथों में पहले से थी ही। सचिन पायलट अभी 43 वर्ष के ही हैं और मात्र 18 वर्ष के पॉलिटिकल करियर में उन्हें इतने सारे महत्वपूर्ण औहदे मिल गए हैं जो बरसों बरस राजनीति करने वालों को आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके बाद भी अगर उन्हें शिकायत थी कि उन्हें पर्याप्त सम्मान या ओहदा नहीं मिला तो शायद इस शिकायत का कोई समाधान नहीं है। मीनाक्षी, दरअसल सचिन पायलट अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन पर दबाव बना रहे थे, ये हम लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। अशोक गहलोत ने तो बता दिया कि विधायकों का बहुमत अब उनके साथ है और सरकार को कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब सचिन पायलट का क्या होगा ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पार्टी में फूट न हो। पायलट के तेवर भी शांत हो रहे हैं, लेकिन अब तक जो रुतबा उनका था वो इस असफल बगावत के बाद शायद कमजोर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस इस घटना के बाद गहलोत पर पहले से ज्यादा भरोसा करेगी। और उधर पायलट ने फिलहाल तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अगर उन्हें लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है तो फौरी लाभ लेने की जगह दूरदर्शी उन्हें बनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में पहले ही सचिन पायलट के रूठने से उथल पुथल मची हुई है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2018 में बड़ी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अब डगमगाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में जारी तल्खियां अब खुलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत जहां अपनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं तो वहीं अब उनके करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। सीएम अशोक गहलोत के करीबी और ज्वेलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर आज सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। खास बात है कि इस छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। आयकर विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी को अंजाम दे रही है। राजीव अरोड़ा के अलावा धर्मेंद्र राठौर के आवास और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। धर्मेंद्र अरोड़ा को भी सीएम अशोक गहलोत का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर से देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रविकांत शर्मा पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। रविकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपए के बारे में पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों ही ईडी ने रविकांत शर्मा को नोटिस भेजा था। आपको बता दें कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के करीब 24 ठिकानों पर चल रही छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए आयकर विभाग की छापेमारी पर भी सवाल पूछा। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार कर दिया है। संबित पात्रा का कहना है कि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण आयकर विभाग ने छापेमारी रोकी थी, अब फिर से आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी और राजस्थान की सियासी उथल पुथल का कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हैं कि अब आगे क्या होगा। वहीं छात्रों को भी इंतजार था बोर्ड परीक्षा के परिणामों का, जो आज पूरा हुआ। जी हां, सीबीएसई की ओर से 12वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। तो कैसा रहा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in के साथ आईवीआर टेलीफोन नंबर और मोबाइल ऐप पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों को उनके स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड किए हुए ईमेल आईडी पर भी नतीजे भेजे जाएंगे। सीबीएसई 12वीं में इस वर्ष 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 83.40% पास हुए थे, यानी इस बार रिजल्ट 5.38% बेहतर रहा। कुल रजिस्टर्ड 12,03,595 छात्रों में से 11,92,961 ने परीक्षा दी थी। इनमें से 10,59,080 पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम का पास फीसदी सबसे ज्यादा 97.67% रहा। बेंगलुरु 97.05% और इसके बाद चेन्नई का 96.17% रहा और पटना जोन में 74.56% रिजल्ट रहा। दिल्ली वेस्ट का रिजल्ट 94.61% और दिल्ली ईस्ट का रिजल्ट 94.24% रहा। नोएडा रीजन का रिजल्ट 84.87% रहा।
प्रयागराज का रिजल्ट 82.49%, अजमेर का 87.60% रहा। आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी स्टूडेंट्स को ट्वीट कर बधाई दी है। निशंक ने ट्वीट कर लिखा है, प्रिय छात्र, माता पिता और अध्यापक, CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसे cbseresults.nic.in वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। हम इसे संभव बनाने के लिए आपको बधाई देते हैं। मैं दोहराता हूं, छात्रों का स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है। आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी CBSE 12वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पास फीसदी लड़कों से 5.96% ज्यादा है। 12वीं के परिणामों से तो आज पर्दा उठ गया। वहीं एक चौंकाने वाला खुलासा शरद पवार ने किया है, जिससे अतीत की राजनीति से पर्दा उठा है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी फिर भी सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना से उसका नाता टूट गया और इसे तोड़ने में अहम भूमिका निभाई NCP प्रमुख शरद पवार ने। आज इसी को लेकर शरद पवार ने बड़ा खुलासा किया है, देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने की पटकथा 2014 से ही लिखी जाने लगी थी और ये पटकथा लिख रहे थे NCP प्रमुख शरद पवार। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने ये खुलासा किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2014 में बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की उनकी पेशकश एक राजनीतिक चाल थी, जिसका मकसद शिवसेना को बीजेपी से दूर रखना था। पवार ने स्वीकार किया कि उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया था। बीजेपी को बाहर से समर्थन देकर NCP शिवसेना को NDA से दूर करना चाहती थी, लेकिन 2014 में ये योजना सफल नहीं रही क्योंकि शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और गठबंधन सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। 2019 में भी जब शिवसेना और बीजेपी के बीच चुनावों के बाद तल्खी बढ़ी तो देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय मैंने साफ कह दिया था कि NCP बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और यदि संभव हुआ तो शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो हम विपक्ष में बैठेंगे। बाद में शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और इसमें शरद पवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पवार ने कहा, ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा और ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र में ही तो बीजेपी ने सालों पुराना अपना साथी खो दिया, लेकिन हरियाणा में उसने नया साथी ढूंढ लिया। बीजेपी ने यहाँ JJP के साथ सरकार बनाई और अब इस सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। CM खट्टर तो PM से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल ही चुके हैं। अब प्रदेश के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की दिल्ली यात्रा ने सियासत को और गर्मा दिया है। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अनुमानों से उलट रहे। पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हरियाणा जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। बीजेपी को समर्थन देने के एवज में इस सरकार में JJP को डिप्टी CM की कुर्सी मिली। मुख्यमंत्री की कुर्सी मनोहर लाल खट्टर के पास ही रही और अब मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत मिलने लगे हैं। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी है। दरअसल पिछले 4 दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की दिल्ली यात्रा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने मंत्रिमंडल विस्तार को हवा दे दी है। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए JJP गठबंधन की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार का लड़ना तय है। इसके बदले JJP मंत्रिमंडल में अपने एक विधायक को जगह दिलवाने के लिए प्रयासरत है। चर्चाएं हैं, इस बार भी निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी, लेकिन राज्य में खाली पड़े निगमों में उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी बड़ौदा सीट जीतने के इरादे से अपने कोटे के नॉन परफॉर्मिंग 2 मंत्रियों को हटाकर उनके स्थान पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के तहत नए लोगों को मंत्री बना सकती है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। फिलहाल मनोहर लाल के बाद दुष्यंत चौटाला की अमित शाह से मुलाकात के अलग ही मायने निकल रहे हैं। देखना होगा JJP हरियाणा सरकार में अपना रसूख कितना बढ़ाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम की। नेपाल में सियासी हलचल का दौर जारी है। PM KP शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं और उन्हें शक्तिशाली पड़ोसी की भरपूर मदद मिल रही है। तो क्या है इसके पीछे की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में इन दिनों मचे सियासी उठापटक के बीच बैठकों का दौर काफी तेज है। नेपाल के PM KP शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के जुगत में लगे हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी की वजह से अपनी ही पार्टी में बुरी तरह घिर चुके हैं। NCP के वरिष्ठ नेता लगातार ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ओली NCP के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। पार्टी कमेटी की कई बार बैठकें आयोजित की गई, लेकिन हुई नहीं। फिलहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच नेपाल के राजनीतिक हालात में चीन का दखल
साफ देखा जा रहा है। चीन के राजदूत लगातार नेपाल की सरकार और पार्टी नेताओं के बीच सुलह के लिए बैठकें कर रहे हैं। इसको लेकर नेपाल में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है, चीन की नेपाल को लेकर एक खास नीति है जिसके तहत वो चाल चल रहा है। चीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल कर उस देश में घुसपैठ करता है और नेपाल में चीन की दखलंदाजी इस बात की तस्दीक करती है। चीन तो अपनी इस रणनीति से अपना मतलब साध लेगा, लेकिन एक सवाल वहीं अटका हुआ है कि अगले सप्ताह होने वाली बैठक में ओली की कुर्सी बचती है या नहीं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।